आखिर ये कैलेंडर हमारे घर से हटता क्यों नहीं है? 2018 का 2020 में दिखता है, 2021 में 2020 का दिखता है, इसका रीज़न क्या है यार? ऐसा क्यों होता है? और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी लोगों के घर की प्रॉब्लम है। मतलब रीज़न क्या है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम विद माय नेक्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आपके घर में भी कैलेंडर, पुराना कैलेंडर हमेशा की तरह पड़ा रहता है, 2021 में 2020 का रहता है और कभी कभी तो 2016 और 2018 का भी रहता है? तो इस सवाल का जवाब देने मैं लाई हूँ अपने साथ साक्षात कैलेंडर को, क्योंकि उसके अलावा कौन ही आंसर कर सकता है। हमने तो कर ही नहीं पाया, हमने ट्राई नहीं किया कभी उसको उठा के चेंज करने का। तो उसी का जवाब देने कैलेंडर साक्षात आपके साथ बात करने आ रहे हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। तो मैंने उससे पूछा कि आपसे मैं बात कैसे करूँ, तो उन्होंने बोला वीडियो कॉल्स पे, और शुड आई से जूम कॉल्स पे। तो मैंने बोला आप जूम पे कैसे आओगे? तो उसने मुझसे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा कि मैं कौन से ईयर का कैलेंडर हूँ। मैंने बोला 2020। तो उसने जवाब दिया मैं नहीं बनाया जूम को। एंड आई वाज लाइक वेलकम। सो हाय, पर आप आए कैसे? तू 2020 को बार बार चैलेंज कर रही है। अगर मैं नहीं होता तो तेरा ये जूम, गूगल मीट, वीडियो कॉल्स कभी भी आता? तेरे को लिंक बनाना भी आता? वैसे आपका कैमरा क्यों ऑफ है? तुझे 2020 की शक्ल वापस देखनी है? वैसे तो आवाज़ भी नहीं सुननी, पर फिर भी ठीक है। ओह, तमीज़ से बोल, अगर मैं नहीं आता ना तो तेरी ज़िंदगी में यूट्यूब भी नहीं आता। ओह, ये बात भी पॉइंट की बोली आपने। तो इसी के साथ जो मेरा सवाल था आपसे, और एक्चुअली बहुत टाइम से पूछना चाहती थी, कि मेरे घर में आप क्यों हैं? आप जा चुके हैं, 2020 जा चुका है, तो 2021 का होना चाहिए ना, आप क्यों हैं मेरे रूम में? और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये काफ़ी लोगों का सवाल है। और सिर्फ आपने, बहुत लोगों के घर में तो 2018 भी बैठा हुआ है, 2016 भी बैठा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? मतलब चले जाओ ना, मतलब यार हम लोग को ऐसा इंस्टेंट दे दो, हम लोग भेज देंगे आपको। क्यों होता है ऐसा? इसके जवाब में मेरे पास तेरे लिए सिर्फ 5 सवाल है, उसको बता दे आंसर मिल जाएगा। 5 सवाल, ठीक है। तूने ये चीज़ नोटिस की? हाँ की। तूने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली? हाँ डाली। लोगों ने उस पर रिप्लाई किया? हाँ किया। तूने मेरी तरफ देखा? हाँ देखा। चेंज क्यों नहीं किया? नाइस क्वेश्चन, यही तो आंसर है इसका। तुम लोग देखते हो, तुम लोग नोटिस करते हो, तुम लोग रोज़ देखते हो, तुम लोग रोज़ सोचते हो, पर कोई हटाता नहीं हमें। हम लोग आते तो साथ में है पर जा नहीं पाते। किसी घर से कोई पहले चला जाता है, किसी घर से हमेशा के लिए वो रह जाता है। तुझे पता है मुझे अपने दादाजी से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। आप क्यों नहीं मिले अपने दादाजी से? क्योंकि वो 2018 अभी तक तेरे पड़ोसी के घर में लटका हुआ है। ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि सामने ये कैलेंडर का कोई यूज़ नहीं है, पर कोई इतना आलसी है इंसान कि कोई उठा के नहीं फेंक सकता उसे। रख दे वहाँ पे, हमारी भी ज़िंदगी आगे बढ़े, तुम नए साल को वापस लाओ। या हम 2021 में एकदम घुटते रहते हैं कि यार 2020 हम जा चुके हैं, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, पर तुम लोग की वजह से हम यहाँ बैठे रहते हैं पता नहीं क्यों, कितने साल। ये तो सबकी गलती है ना, तो मुझे क्यों अकेले बता रहे हो? अगर तेरे पास YouTube चैनल नहीं होता ना, तो अभी भी नहीं सोचती मेरे को हटाने का, वो तो तेरे पास कॉन्टेंट की कमी हो गई थी। मैं इसका कुछ करती हूँ, मैं अपने सारे, वैसे तो कम लोग देखते हैं, पर मैं फिर भी उन लोग को बोल सकती हूँ कि अपने घर का कैलेंडर निकाल के फेंक दें, पीछे पुराने साल वाला और नए साल वाले को रख दें। व्यूअर्स को बोलने से पहले खुद तो हटा ले। मैं भी कर रही हूँ, मैं बस आपका कॉल कटेगा और मैं जाके वो काट दूँगी मैं वो हटा दूँगी। मैं नया कैलेंडर ले आऊँगी या फिर बिना कैलेंडर का रह लूँगी। मैं कैलेंडर ही यूज़ नहीं करूँगी आज के बाद से, मेरे फ़ोन में भी है। नहीं, सॉरी, आप चले जाइए, आपको मैं भेज रही हूँ अपनी ज़िंदगी, अपने हर जगह। मैं 2018-16 जो कैलेंडर मेरे घर पे है, जिसके घर में, सबके घर से हटा रही हूँ। सॉरी, जाइए, बाय। सॉरी, दैट्स इट गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ फाइन थम्स अप। ऑल्सो लेट मी नो, क्या आपके घर में भी कैलेंडर हमेशा से टंगा रहता है? इफ़ येस, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और ये भी बताओ कि वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज़ अपने घर का कैलेंडर चेंज कर लो अगर आपके साथ ये होता है तो। टिल देन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड मैं बहुत चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो। टिल देन, हैव अ ग्रेट लाइफ। ओ शिट, मैंने फिर से कैलेंडर चेंज नहीं किया।